डेस्टिनेशन तो पहले थोड़ा सी उनकी फैंस के लिए डिसअपॉइंटिंग होगा, बट सील की बात करें जब वॉली की साइड से वंस अगेन यहाँ पे डाउन निकल चुका है, शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है ना उड़ीसा निकला सिचुएशन। फिलहाल के लिए अपना किल कन्फर्म करेंगे सील वर्सेज यहाँ पे आईएट देखने को मिल जाएगी, प्रॉपर क्लासिक 3v3 का फाइट। एंड अब पोजिशनिंग यहाँ पे ऑलरेडी रिवील आउट है, अब थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी पोजिशनिंग एंड थोड़ी सी स्ट्रैटेजी में भी यहाँ पे कह सकते हैं, बट लेट्स सी। एक बार को आप देख लीजिए आईएट के जो तीनों प्लेयर्स है उनकी लोकेशन देखिए, अगर नॉट इवन सोलो प्लेयर अगर ये करके डाउन भी करते तो उनको बचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एंड सेम एक बार को सील की बात कर लीजिए, उनके भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी जो है थोड़ा सी उनसे बेटर रहने वाली, क्योंकि देख लीजिए पीछे से एक बार को बॉली फॉल बैक कर जाए तो उनको मे बी यहाँ पे कवर आउट भी हो सकता है, बट लेट्स सी क्या रहते हैं उस फाइट में। बट एचयू के प्लेयर्स क्लाउड यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जिनके पास यहाँ पे देख लीजिए Win98 यहाँ पे रहने वाली है। लियो फिलहाल के लिए ऑन द क्लाउड आ चुके, एक प्लेयर स्पॉट करेंगे ओपन जाएंगे, देख लीजिए वेल फिलहाल के लिए वॉली डाउन हो जाएंगे, उनको कंप्लीटली फिनिश ऑफ कर जाएगा। बट What was that? क्या रिफ्लेक्स देखिए कितना बेहतरीन रिफ्लेक्स लगाएंगे और एक बारी को बैरन यहाँ पे डाउन हो जाएंगे। वेल लियो द लास्ट मैन स्टैंडिंग, अब अपनी टीम के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा कुछ कमाल, क्योंकि देख लीजिए लास्ट पे ही रहेंगे एंड सामने जाएंगे क्या एक प्रॉपर 1v1 के लिए। आई जस्ट थिंक जी हाँ, जो क्रिएटिविटी देखिए प्लेयर्स की कितने अच्छी तरीके से अपने यहाँ पे ड्रॉप को रीड आउट कराया, लुक एट दैट एलिमिनेशन। आई जस्ट थिंक लियो ने यहाँ पे स्टार्टिंग फेज में ही प्रॉपर 1v3 करके दिखाया है, बिल्कुल अभी भी शुरुआत इन्होंने निकाल दी गई है। फैंडम स्पोर्ट्स की बात कर लीजिए या फिर बात करें सील की, वेल मल्टीपल नंबर ऑफ फाइट्स में मेंटेन करते हुए देखने को मिल जाएंगे प्लेयर्स एंड देख लीजिए बैरन यहाँ पे रहने वाले हैं, ग्रेन यहाँ पे थ्रो जरूर करा गया तो उनके मुंह पे बर्ड बाउंस बैक हो जाएगा। एंड देख लीजिए शॉटगन हाथ में रहने वाली है, शॉटगन का रिस्क नहीं लेना चाहिए, एफपी मोड स्विच करेंगे एंड देख लीजिए नॉक निकाला बहुत ही बेहतरीन तरीके से, फिनिशर जरूर यहाँ पे निकाल लेंगे। डेमो की बात कर लीजिए, उन्होंने एक और प्लेयर को स्पॉट जरूर करा, ग्रेनेड देख लीजिए ऑन टॉप रहने वाले, जी हाँ जरूर काफी लोअर एचपी 20 HP या 30 HP में सर्वाइविंग रहने वाले प्लेयर्स को, एंड देख लीजिए एम असिस्ट का यूज यहाँ पे कर सकते हैं, बट ये लिए कहीं और से आएगा बैकअप। डेमो को यहाँ पे कॉल देनी पड़ेगी कि वेल फटाफट से उनके प्लेयर्स देख लीजिए आप आते हैं यानी ऑन द टाइम, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है डेमो का कंफर्मेशन भी हो सकता है अगर यहाँ पे सील के प्लेयर्स में थोड़ा सा भी यहाँ पे डीले करा। बट फिलहाल के लिए जाइए क्लोजिंग एरिया के लिए, डेमो को फिलहाल के यहाँ पे कम्प्लीटली फिनिश ऑफ कर लिया गया। अब देखने वाली बात रहेगी लास्ट प्लेयर रिमेनिंग फ्रॉम टीम आई8 की साइड से, क्या उस लास्ट प्लेयर को भी स्पॉट कर पाएंगे, बट किसी का नेड यहाँ पे देखे नहीं जाएगा, एक और नेड यहाँ पे कुक्ड कर लिया जाएगा जो कि माइट भी अब डैमेज दे सकता है, लेकिन वो खिलाड़ी यहाँ पे नहीं उस दरवाजे के पीछे बैठा है जहां पे उनको स्पॉट करना थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन अगर स्पॉट कर लिया तो बढ़िया सा फिनिश मिल सकता है। जी हाँ सर, एक बारी को देख लीजिए किस तरह ट्राई कर जाए, ये गलत मूव रह सकता है। जी हाँ जरूर, लियो फिलहाल के लिए हो जाए इंडोर, बैरन यहाँ पे रहने वाला था लास्ट मैन रिमेनिंग एंड सील, अगर स्टार्टिंग में लुक एट दैट थिंग, बहुत ही बेहतरीन चिकन एंगल निकाला है, कहीं ना कहीं यहाँ पे आई8 को भी कर दिया जाएगा मास से बाहर। मैं बोल पा दिया नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी टॉप के ऊपर है, उनको कुछ पॉइंट्स लेके अपनी वो जगह बरकरार रखनी पड़ेगी, अगर नहीं रख पाए तो थोड़ी सी मुश्किल रहेगी। डेमो ने अपनी लोकेशन दे दी क्योंकि वहां पे उन्होंने 2 से 4 बुलेट कनेक्ट कर दी, अब तीनों के तीनों प्लेयर्स, चौथा प्लेयर इवन दो वो भी यहाँ पे आता हुआ नजर आ जाएगा। चलिए एक प्लेयर को स्पॉट किया जाएगा डाउन करने के, यहाँ पर ट्राई इट्स अ 1v1, डेमो को डाउन कर दिया जाएगा। M416 वर्सेस बैरल की ये फाइट थी, बैरल का डैमेज पर बुलेट 46 का है, M4 का 43 का है, फिर भी यहाँ पे प्लेयर उनको डाउन करके जाते हैं और थोड़ी सी मुश्किल आती हुई नजर आ जाएगी और वोरोन कर पाएगी क्योंकि स्टालवर्ड के पास 4 प्लेयर्स का एडवांटेज देखने को मिला। सील के प्लेयर्स आई8 के प्लेयर्स को इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो डाउन कर चुके और फिर से एक बार जो हमारी फाइट रुकी हुई थी वो मेडुसा स्टार्ट हो चुकी है और आई8 अब थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर किए जाएंगे क्योंकि 25 चालू हो चुके हैं। ओ माय गॉड, एक पंच दूसरा पंच, एस आई8 अब इसका बदला कल के दिन में होने वाला है क्योंकि आज का तो ये लास्ट मैच रहने वाला है हमारा सील स्पोर्ट्स। थोड़ी सी यहाँ पे डिफिकल्टीज पहले मैच में फेस की थी लेकिन इस बार बदला पूरा करती हुई, लेकिन वहीं पे अगर बात करेंगे डाउन किए जाएंगे 2 प्लेयर्स को एक साथ में, यूएमपी के कनेक्शन सील के 2 प्लेयर्स डाउन होते हुए केवल मात्र आपको 2 ही प्लेयर्स बचे हुए नजर आ जाएंगे और क्या एक बार फिर से एक 1v4 आता हुआ नजर आ सकता है क्योंकि 2 प्लेयर्स को टेक डाउन कर दिया है, बाकी के जो दोनों प्लेयर्स है वो भी इनके एंगल के ऊपर ही देखने को मिल रहा है और अगर दोनों प्लेयर को पिक करके डाउन कर जाता है लेकिन वॉली के हाथ में आपको एक नेड देखने को मिल रहा है और वॉली का ये नेड अगर परफेक्ट कनेक्शन ढूंढ लेता तो थोड़ी सी मुश्किल रहेगी, लेकिन XT8 ST एक्शन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे और वो उनकी जो फाइट है वो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन आई8 किस तरह से इस फाइट को निकाल पाएंगे क्योंकि मेडुसा 2 ही प्लेयर्स है। जी हाँ सर, 2 ही प्लेयर्स है, पोजिशनिंग स्पॉटेड है, यहाँ पे 4x4x के साथ चला जरूर है सप्रेसर, बट कहीं ना कहीं उतना नहीं, मतलब कि AR की जो स्टेबिलिटी रहती है मिड रेंज उतनी नहीं रह रही है, बट देखने वाली बात ये है कि कुछ अच्छे नॉक्स निकाल पाएंगे। ये ग्रेड अगर कनेक्ट हुआ 2 प्लेयर्स अगर डाउन करे तो मे बी पॉसिबिलिटी बनती है, बट अगेन पोजिशनिंग ऑलरेडी रिवील है, जिसकी मैंने बोला था ग्रेड ऑलरेडी बस्ट आउट हुआ, प्लेयर को स्पॉट करा जाएगा, सील के प्लेयर्स काफी लो एनएचपी रहने वाले हैं, देख लीजिए एक प्लेयर स्पॉट जरूर करा जाएगा, दूसरा प्लेयर पे नॉक हो सकता है, जैसा नॉक हो सकता है नॉक हुआ
अब वापस से कहीं ना कहीं यहाँ पे जेमो को फिर से रिस्क लेना पड़ेगा लियो को यहाँ पे रिवाइव देने का, बर ऑन वेरी लो ऑन स्पेन। यहाँ पे देख लीजिए क्लोजिंग डल रहा है, आई एट के प्लेयर्स देख लीजिए डर बिल्कुल भी नहीं है, प्लेयर को शॉट डल जाएगा, अगर दूसरे प्लेयर को भी स्पिन ऑफ कर जाएगा। अब पॉसिबिलिटी है ये 2v4 का बैटल कहीं ना कहीं आई एट अपने खाते में ले जाए, सीली स्कोर आज के दिन पे क्या हो चुका है लोग, एसेट वन से सीधा यहाँ पे कहीं ना कहीं देख लीजिए एलिमिनेशन अगेन, चौथे मैच में भी कहीं ना कहीं सील कुछ ज्यादा ही जल्दी एलिमिनेट हो गई थी, क्या हो चुका है लिटरली आज ने।